नमस्कार दोस्तों, मैं भारतीय मिश्र आज आपसे बात करूंगा विकलांगता की और विकलांगता विमर्श की। खास तौर से असल में हमारे समाज में बहुत से ऐसे लोग हैं जो देखने में आपको लगता है कि वो विकलांग हैं, हमारे शरीर का कोई अंग उनका नहीं है, कमजोर है या इस लायक नहीं है कि वो सामान्य व्यक्ति की तरह व्यवहार कर सके। तो इसी को हम विकलांगता विमर्श के रूप में लेकर चलते हैं। हमारे समाज का व्यवहार ऐसे लोगों के प्रति प्रायः नकारात्मक है और इस नकारात्मकता के पीछे सदियों की एक परंपरा है और उस परंपरा में हम देखते हैं तो कभी भी हम सर्व पूर्ण होने की कामना करते हैं, सर्वांग संपूर्ण और सुंदर, सुंदरता की व्याख्या भी हम यही करते हैं कि जिसके हाथ पैर आंख नाक और ये शारीरिक अवयव बहुत संपूर्ण हो और फिर सुंदर हो, देखने में कुंवर न निकला हो, आंखें ठीक हैं इत्यादि, ये हमारे सौंदर्य शास्त्र के मानक हैं सामान्य जीवन के। लेकिन ईश्वर की हम सब संरचना है और ईश्वर ने बनाया है, अगर ये मान के भी चले तब भी हमें ये देखना है कि बहुत सारे ऐसे लोग हमारे समाज में हैं जो इन्हीं कारणों से, सामाजिक व्यवहार के कारणों से उपजी हुई जो कुंठा है, जो यातना है, जो पीड़ा है, त्रास है, उसको भोगते रहते हैं। तो यह जो समाज में एक तरह का सौतेलापन है वो हमें देखने को मिलता है। आप देखें कि साहित्य में जब हम चलते हैं तो बहुत तरह के विमर्श आपके यहाँ चल रहे हैं साहित्य में। दलित विमर्श है, स्त्री विमर्श है, अल्पसंख्यकों को लेकर के भी अलग तरह का एक विमर्श चलता रहता है, निर्धनता या बीपीएल जिसको हम कहते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन, ऐसे जो श्रमिक हैं, मजदूर हैं, किसान हैं, इनको लेकर के लगातार विमर्श चलता रहता है। तो लेकिन विकलांगता को लेकर आखिर हम बात क्यों नहीं करते हैं या क्यों नहीं करना चाहिए, इस मुद्दे को लेकर मैं आज आपके सामने बात कर रहा हूं। मैं भारतेंद्र मिश्र, नमस्कार। आप ये देखें कि ये दो फिरकी चल रही है हमारे पास इधर सामने, एक नीचे है वो तेज चल रही है, एक ऊपर है वो धीमे चल रही है। जो ऊपर धीमे वाली फिरकी है उसमें केवल तीन पंख हैं, माने उसको हवा का दबाव अधिक मिल रहा है लेकिन उसके जो परिस्थितियां हैं उसका एक अंग कहें या एक कमी है उसमें। नीचे वाले में चार पंख हैं तो वो तेज चल रही है नीचे होकर भी। कारण यह है कि व्यक्ति परिस्थितियों का गुलाम है, दास है और इन परिस्थितियों ने ही उसे सृजा है, उसे बनाया है। तो हम कौन होते हैं किसी के बारे में निर्णय देने वाले, उसको उसके बारे में उसकी क्षमता का आकलन कर लेने वाले अकेले व्यक्ति हम कौन होते हैं। लेकिन पूरा समाज मिलकर के वो इस तरह का व्यवहार मनुष्य के साथ करता आया है। तो अब आप ये देखें कि पूरी दुनिया में लगभग 3% 2.8 के से अधिक जो आबादी है पूरी दुनिया की वो विकलांगता ग्रस्त है। वो ऐसे लोगों की है जिनमें मानसिक, शारीरिक और अनेक प्रकार की जो विकलांगताएं उनसे वो ग्रस्त है। तो वह जो लोग हैं ऐसे बहुत कम नहीं है, और कम हो या ज्यादा हो हमें उनकी संवेदनाओं को, उनकी भावनाओं को, उनके जीवन को खुशहाल कैसे बनाना है, वो अकुंठित ना हो, अकुंठ भाव से अपना जीवन जी सकें, तो यह व्यवस्था तो सरकार को, समाज को, हम सबको मिलकर करनी। अब हम देखते हैं कि विकलांगता की कोई जाति नहीं है साहब, वो सवर्णों में भी है, वो दलितों में भी है, वो स्त्रियों में भी है, बहुसंख्यकों में भी है, अल्पसंख्यकों में भी है, और इसलिए उस पर बात करना अनिवार्य भी है, जानना भी चाहिए। लेकिन विकलांग ग्रस्त जो दलित है या जो अल्पसंख्यक है या जो निर्धन है उसकी दशा शायद ज्यादा दयनीय होती है, क्योंकि उनके साथ समाज पहले से ही उनकी कम्युनिटी के साथ न्याय नहीं कर रहा है। और अगर ऐसे में कोई व्यक्ति उनके यहाँ परिवार में बच्चा विकलांग है तो उसके साथ और अधिक अन्याय की संभावना बढ़ जाती है। तो ये इसके साथ साथ अगर हम देखें तो कोई विकलांग ग्रस्त कोई स्त्री है, बालिका है और वह दलित भी है, तो
ऐसी स्त्री या लड़की या दलित पुत्री बेटी उसके साथ कतई अन्याय नहीं होगा। और यहाँ यही नहीं है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ऐसे बहुत सारे लोगों से मेरा संपर्क हुआ है शिक्षण के दौरान, कि जिनकी माताएं कहती हैं ये मर भी जाता तो अच्छा होता, या मर जाती तो ज्यादा अच्छा होता, साहब इसके साथ कौन तो शादी करेगा, कौन इसका जीवन इसका आगे चलेगा, कैसे चलेगा, और मैं जब तक जिंदा हूं कंधे पर उठाए हो रही। तो ये जो विमर्श आता है, ये जो चिंतन करने का जो सलीका है, तरीका है, उसके माता पिता का, अभिभावकों का, ऐसा किसी भी और सामान्य व्यक्ति के साथ शायद नहीं होता, कि उसके अपने ही परिजन, उसके अपने ही माँ बाप, उसके अपने ही शिक्षक उसके साथ अन्याय नहीं करते, उसके साथ अन्याय की दृष्टि रखते हैं। तो यह जो विमर्श है, यह जो बातचीत है, इसमें जाकर क्या देखें कि वो आत्महीनता का भयंकर एक तरह का दौर है उसके साथ होता है। अभिभावक हत्या तक कर देने के लिए उसकी तैयार है कि किसी तरह जान बचे, कोई मित्र नहीं है ऐसे व्यक्ति का, ऐसे बच्चे का कोई कामकाज नहीं है ऐसे युवा का, ऐसे युवा के पास अगर आरक्षण का कुछ लाभ मिल गया कहीं करोड़ों में एक दो को तो मिल गया, नहीं तो नहीं। शिक्षकों का नकारात्मक रवैया, तो वो ऐसे लोग गहरे अवसाद में रहते हैं, हताशा और कुंठा उनका स्थायी भाव बन जाता है और जीवन के प्रति एक नकारात्मक स्वरूप वो अपना लेते हैं। तो इसलिए उनकी शिक्षा, उनके जीवन के विकास के लिए हमें ये सब देखना बहुत जरूरी है। डिसेबिलिटी एक्ट 1995 में आया था, 1995 में, उसके बाद अब 2016 में उसमें दिव्यांग शब्द जोड़ दिया गया है विकलांग की जगह। मुझे नहीं लगता कि दिव्यांग शब्द बहुत अच्छा है, लेकिन ठीक है, अब सरकार ने किया है तो उस पर अलग विमर्श विचार होगा। आप देखें कि हमारी संस्कृति में धृतराष्ट्र कैसा चरित्र मिलता है, और भी चरित्र है, शकुनी है महाभारत में, मंथरा है रामकथा में, तो ये सब विकलांगता के एक प्रतीक के रूप में हमें दिखाई देते हैं। धृतराष्ट्र के साथ लगता है कि उसको जीवन भर उसके साथ न्याय ही नहीं, 100 पुत्र और सब उनका देहांत होता चला गया, युद्ध में मर गए, और क्यों, वो अपने ऊपर उसका जो कॉन्फिडेंस है, उसका जो आत्मविश्वास है वो डिगा। और अगर ऐसा नहीं होता, धृतराष्ट्र नेत्रहीन नहीं होता, तो शायद महाभारत ही ना होता। इसी प्रकार शकुनी, वो अपनी बहन को लेकर के इतना ज्यादा वो भावनाग्रस्त हुआ, अवसादग्रस्त हुआ कि एक नेत्रहीन व्यक्ति के साथ इसका विवाह होने जा रहा है, तो आके वहीं रहने लगा। बड़ा देश था, बड़ा राष्ट्र था हस्तिनापुर, तो अब स्थिति ये होती है कि वो विकलांग है, पैर से चल फिर नहीं सकता है, लेकिन वो कन्या है और वो अपने उस जो द्यूत क्रीड़ा है उसके माध्यम से पांडवों को सत्ता से, उनकी सत्ता छीन लेता है, जीत लेता है, और वो भी एक बड़ा महाभारत का कारण लगता है। कारण ये है दोनों दृष्टियों से कि हमने उन विमर्शों को उनके पक्ष से उस समाज को नहीं देखा, और जब हम बड़ा होने के साथ उसके साथ अन्याय किया गया तो फिर ये निश्चित था कि कुछ न कुछ होता, और जीवन भर धृतराष्ट्र कार्यकारी राजा ही बने रहे, उनका कभी अभिषेक किया ही नहीं गया, आखिर क्यों। तो ये बड़े सारे सवाल हैं। ऐसे ही आप मंथरा को देखें, कि मंथरा को केकई क्यों लेके आई थी, कुबड़ी है, कुबड़ापन एक विकलांगता, एक तरह की विकलांगता में शामिल है, उसे कोई सुंदर सामान्य लोग उसको पसंद नहीं करते। तो ऐसे बड़े सारे प्रश्न, और जब लेके आती है तो वो क्या करती है, केकई को ही प्रसन्न रखना उसका लक्ष्य है, और एक पात्र को खुश रखने के लिए वो अपना जीवन लगा देती है, और जहां जहां देखती है उसको प्रेरित करते 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 रामायण का एक बड़ा बहुत बड़ा वो प्रभाव छोड़ जाती है। किस प्रकार से दो वर मांग करके केकई राम को वनवास भेजती, तो ये एक मिथकीय कैरेक्टर मान लें या एक महाकाव्यात्मक चरित्र मान लें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन विमर्श फिर भी हमारे यहां शुरू नहीं हुआ। आमतौर से हमने मुहावरों में कहा, क्या तुम अंधे हो, क्या तुम धृतराष्ट्र हो, अंधे के अंधे ही पैदा होते हैं, इस प्रकार के मुहावरे तो चले, लेकिन उनका विमर्श नहीं किया गया। ओ, तुम छपनी हो, तुम लंगड़ा लंगड़ा के चलते हो, तुम आंख तपक झपका के चलते हो, तो ये सब तो कहा गया और उसको नकारात्मक ढंग से लिया गया। हमने सकारात्मक ढंग से कभी तो मंथरा को कितनी गालियां दी हैं, कवियों ने भी दी हैं और समाज ने भी दी हैं, तो उसका क्या दोष था, उसने तो बहुत पूरे मन से निष्ठा से अपनी स्वामिनी की सेवा की।
तो इस तरह से अगर हम देखते हैं तो विकलांगता का जो विमर्श है उस पर बातचीत करने की आवश्यकता है। और भी बहुत सारे चरित्र मिलेंगे। अष्टावक्र का चरित्र है, अष्टावक्र ने तो गीता लिखी बाद में, लेकिन जब जन्म हुआ तो पिता ने उनको त्याग दिया, छोड़ दिया, और जब त्याग दिया तो फिर उसके बाद उनको नाम दिया अष्टावक्र, मैं आठ जगह से टूटे फूटे। तो ऐसे व्यक्तित्व को जो बाद में अपनी लगन से, परिश्रम से, मेहनत से उसने साबित किया अपने आप को कि मैं अष्टावक्र हूं, और आज सदियां उसका गुणगान करती हैं। तुलसी को भी छोड़ दिया गया था, तुलसीदास राम उनके दामाद थे और उसे कुछ भूल गए थे क्या हुआ था, मिथकीय है बातें सारी चाहे, लेकिन उसके बाद उनको साफ त्याग दिया, परिवार नहीं तो दासियों ने पाला पोसा। ऐसे जो लोग हैं जो किसी उनकी अलग जाति है, उनका अलग विमर्श है, उनके लिए अलग से हमें सांचे और खांचे तैयार करने होंगे साहित्य में भी। और मुझे लगता है कि स्टीफन हॉकिंस जैसे लोग भी हैं जो किस तरह से सामान्य से अपंग होते चले जाते हैं और फिर स्थिति आती है उसी में उनका देहांत भी हो जाता है, लेकिन दुनिया को वो दे के जाते हैं, मेटाफिजिक्स का एक जो फार्मूला दे करके जाते हैं स्टीफन हॉकिंस, वो आज भी उससे आगे अभी बात बनी नहीं है। मेरा कहना यह है कि इनकी ऐसे लोगों की संवेदनाओं को समझने के लिए उन पर बातचीत होनी चाहिए, और खासतौर से साहित्य में, हिंदी साहित्य में अभी मुझे नहीं लगता कि विकलांगता के विमर्श को लेकर के या ऐसे लोगों की के द्वारा लिखे गए साहित्य को लेकर के या ऐसे लोगों के साथ काम करने वाले लोगों उसके से जुड़े हुए अनुभवों को लेकर के भी हमने साहित्य में, हिंदी में कोई ऐसी बातचीत या शुरुआत की है। शायद कहीं कहीं एकाध दो जगह शुरू हुई हो, कहीं मुझे सुनने में मिला है कि रायपुर में कहीं हुआ है, मुंबई से कुछ लोग शोध कर रहे हैं, इस प्रकार का काम कर रहे हैं, तो उन्हें बहुत बहुत बधाई। विटामिन जिंदगी है एक हमारे ललित जी की पुस्तक आई है, ऐसे ही और कुछ नए लेखक उभर करके सामने आ रहे हैं, तो लेकिन ये उनके द्वारा जो स्वयं ऐसे लोग हैं विकलांगता ग्रस्त जो लोग हैं, ऐसे लोगों का साहित्य और जो उनके साथ जुड़े हुए हैं, उनके अभिभावक हो सकते हैं, उनके अध्यापक हो सकते हैं, जो संवेदनशीलता से ऐसे लोगों के जीवन के बारे में सोचते हैं, विचार करते हैं, उनकी राय भी ली जानी चाहिए। तो ये इनकी संवेदनाओं को समझने के लिए बहुत अधिक कठिनाइयां हैं, और जितना हम आगे घुसते जाते हैं, माने एक निर्धन लड़की बालिका हो और उसके बारे में, वो किसी भी जाति बिरादरी की है, खासतौर से अगर दलित है, तो ऐसे लोगों से मैं मिला हूं जिनकी माता और परिवार के लोग कहते हैं कि भाई ये मर जाता तो अच्छा होता। ऐसी विकट परिस्थितियों में हम विकलांगों को छोड़ नहीं सकते, उनके साथ हमें न्याय करना होगा, और संपूर्णता की बात जो हमारे समाज में, हमारे परिवेश में मिलती है, वो एक भ्रम है। संपूर्ण कौन है? आप, हम, या हमारे आसपास के लोग, हमारे घर परिवार के लोग, क्या सब संपूर्ण है? क्या उनमें परफेक्शन है? कोई नहीं है। तो इसलिए हमें ये देखना होगा कि जो किसी कारण से नैसर्गिक रूप से कहीं ना कहीं बाधाग्रस्त है, पूर्ण है, उनमें किसी प्रकार की कोई कमी है, तो ऐसे जो लोग हैं उनके लिए हमें वातावरण को का सृजन करना है, ताकि जो डिफरेंटली एबल्ड लोग जिनको हम कहते हैं, विशिष्ट प्रकार से जिनमें योग्यताएं हैं, उनकी उन क्षमताओं को आगे ला सकें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, मित्रों का। मैं भारत मिश्र, नमस्कार।